वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आपने एक सेगमेंट देखा आउटडोर, जिसमें फुटबॉल के दो नामी ग्रामी कोच आपसे महवे गुफ्तगु थे। एक नासिर इस्माइल साहब की आपने गुफ्तगु सुनी और उसके बाद गौर जमान की भी आपने गुफ्तगु सुनी। दोनों ही बहुत पाए के कोचेज हैं, दोनों ही एक्स प्लेयर रह चुके हैं पाकिस्तान फुटबॉल के, इंटरनेशनल प्लेयर्स। तो इनसे तो बात हुई स्विन सुपर लीग के हवाले से, और लियारी का जो पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम है जहाँ गौर जमान 2001 में खेले भी थे और जीते भी थे, उसकी हालत क्या है उस पर भी बात हुई, कौन जिम्मेदार है उस पर भी बात हुई। अब मैं आपको लेके चलूँगा कलीमुल्ला की तरफ। कलीमुल्ला खान का तारुफ क्या मैं करवाऊँ? कलीमुल्ला पाकिस्तान के एक्स तो खैर अभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कलीमुल्ला ने अभी तक रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया है, तो एक्स कैप्टन है पाकिस्तान फुटबॉल टीम के, और पाकिस्तान फुटबॉल के लिए एक ऐसा सितारा है पाकिस्तान फुटबॉल का कि जो बहुत उसकी चमक बहुत तेज़ है, क्योंकि वो बहुत ही शानदार उनका करियर रहा। और उसके अलावा वो बाहर भी खेले पाकिस्तान के लिए, टर्की में खेले, उसके अलावा रिसेंटली यूएसए भी गए, वहाँ भी खेले। अब उन्होंने एक आइडिया बनाया कि सिंध सुपर लीग कराई जाए, सिंध की सतह पर सिंध हुकूमत के साथ मिलकर, सिंध के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, सिंध के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी या जो असिस्टेंट टू सीएम है अरबाब लुत्फुल्ला साहब, उनके साथ मिलकर उन्होंने एक आइडिया डिज़ाइन किया जिसमें 10 टीम्स थी। 10 टीम्स को दो ग्रुप्स में रखा, दो ग्रुप्स से टॉप टीम्स आईं और उनमें से फ़ाइनल जीतने वाली टीम लाड़काना लेपर्ड्स ने फाइनल जीता, लियारी की टीम को उन्होंने हराया। तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा ये। कुछ इसके हवाले से कॉन्ट्रोवर्सीज़ भी आईं, कुछ बहुत सारी चीज़ें भी आईं। जो मुझे मालूम है वो तो ये है कि हर खिलाड़ी को पैसा मिला, यानी 30,000 रुपया एक इमर्जिंग प्लेयर को, उसके अलावा 40,000 रुपया नेशनल प्लेयर को, और इंटरनेशनल जो मैचेस खेल चुका है उसको 50,000 रुपये दिया गया। ये सिर्फ फीस है उनकी, बाकी उनका रिहाइश, उनका ट्रांसपोर्टेशन, ये सब भी उन उससे वो बरी जमा थे इस खर्चे से। तो पाकिस्तान ने फुटबॉल के फ़रोग के लिए एक अच्छा कदम मैं कहूँगा इस लीग को। इसके जो रूहें रवां थे वो भी कलीमुल्ला थे। कलीमुल्ला वॉज अ कन्वेनर फॉर दिस लीग और उनको काम करते मैंने देखा है। तो कलीमुल्ला से आपकी बात कराते हैं इस लीग के हवाले से, फुटबॉल के हवाले से, फुटबॉल के फ्यूचर के हवाले से, और ख़ास तौर से पीपल स्टेडियम लियारी के हवाले से जो तारीखी अहमियत का हामिल है लेकिन खस्ता हाल है। कलीमुल्ला अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? सब ठीक है। अच्छा कलीमुल्ला साहब, आपने अभी सिंध सुपर लीग करवाई और बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ, बहुत पूरे पाकिस्तान से टीम्स आई, ये टूर्नामेंट का पहले बेसिक आइडिया के बारे में बताइए। बेसिक आइडिया ये था कि हम पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो हालात थे 4-5 साल से बचे बहुत से इवेंट से महरूम हो चुके थे, लेकिन अब मैं हमारी कोशिश, मेरी कोशिश यही थी, ख्वाहिश भी थी कि जितने अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 के प्लेयर जितने उनको नुकसान पहुँचे ड्यूरिंग द क्राइसिस, PFF क्राइसिस में ग्रासरूट लेवल पे कोई काम नहीं हुआ है, ना कोई इवेंट हुआ है अंडर 14, ना अंडर 16, ना अंडर 19 का कोई चैंपियनशिप हुआ है। तो मैंने सोचा था कि एक ग्रासरूट लेवल के और पाकिस्तान नेशनल टीम के जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिला 4 से 5 साल के दौरान जो क्राइसिस PFF के हुआ है। तो मैंने कहा इसका एक कम्बाइंड चैंपियनशिप बनाते हैं तो इसके दौरान को सबको मौका मिल जाएंगे। तो मैंने इसमें कैटेगरीज बनाए हैं कि अंडर 19 के 4 प्लेयर खेलेंगे और पाकिस्तान नेशनल टीम के 6 प्लेयर्स खेलेंगे। तो हर टीम में 6-6 इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं, तो एक कम्बिनेशन आ गए, अंडर 19 के 4 प्लेयर्स और पाकिस्तान नेशनल टीम के 6 प्लेयर्स उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो मेरा ये था कि बेसिक लेवल पे हमारे ये मौक़ हैं कि हम ग्रासरूट लेवल को और सीनियर लेवल के साथ मिला के और इनके अब फ्यूचर के लिए जो है ना उनको इवेंट का एक मौका मिल जाए। कोई मुश्किल जो आपको आई हो इस इवेंट के हवाले से? लाजमी बात है, ट्राई आउट में हमें मुश्किल थे, काफ़ी टैलेंटेड बच्चे आए हमारे पास ट्रायल में, हमने 3 दिन का ट्रायल हर डिस्ट्रिक्ट में और हर डिवीज़न में हमने रखे थे, तो इसमें काफ़ी टैलेंट है क्योंकि 200 से 400 बच्चे इस इवेंट में शिरकत कर रहे थे ट्रायल के दौरान। तो उनमें से टोटल बच्चे जो है ना वो 14 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं हर डिवीज़न से और हर डिस्ट्रिक्ट से जिनके टीमें हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी मुश्किल आते हैं, उनके सिलेक्शन में काफ़ी टैलेंट थे, किसी को काटना और 200 बच्चों में से 14 प्लेयर सेलेक्ट करना और 6 ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेयर थे उनको सेलेक्ट करना काफ़ी हमारे लिए मुश्किल आती कि कैसे प्लेयर, कोई ऐसा प्लेयर हो जो आगे फ्यूचर में हमारे लिए एक जरिया बन सकते हैं, नेशनल टीम का पार्ट बन सकता है। ये ना हो कि हम कोई ऐसे गलती कर रहे हैं कि वो बच्चा है वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी से महरूम हो सके। लियारी का स्टेडियम आपने हालत देखी उसकी, पीपल स्टेडियम की, इस हवाले से क्या कहेंगे? सिंध हुकूमत कुछ करे, कुछ हालत बेहतर करे स्टेडियम की? मैंने सिंध गवर्नमेंट को भी कहा गया है और डीजे नजर साहब को भी इस चीज़ के लिए आगाह किया है कि इस तरह के ग्राउंड्स हमारे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ
पीपल्स स्टेडियम है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। अच्छा, और इसकी जो हालात थी वो मैंने खुद देखे थे जब मैंने स्टार्ट आया था। यहाँ पे क्रिकेट पिचेस बने हुए थे, ग्राउंड की जो हालात थी वो काफ़ी खेलने के काबिल ही नहीं थी, लेकिन इसमें मैंने दिन रात का मेहनत किया है और यहाँ पे लोगों को लगाया है, लोगों ने यहाँ पे दिन रात इस ग्राउंड को दोबारा से बहाल किए हैं और ग्रीन कर दिया है। मेरे ख्याल से सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस ग्राउंड को बहाल करें हमेशा के लिए, और इसमें उम्मीद करता हूँ कि अब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन भी बहाल हो जाएंगी, तो उसके बाद जितने भी इंटरनेशनल मैचेस होंगे तो मेरे ख्याल से ये एक वाहिद ग्राउंड है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। तो मेरे ख्याल से सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट के अंडर ये ग्राउंड आ रहे हैं, KMC के अंडर आ रहे हैं, मुर्तजा वाब साहब के अंडर है, तो मेरे ख्याल से मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली इस ग्राउंड की जो मरम्मत है, जो रेनोवेशन है, काइंडली उसके लाइट का इशूज़ हैं, यहाँ पर बैठने का इशूज़ है, ड्रेसिंग रूम का इशूज़ है, ग्राउंड मेंटेनेंस की इशू है, काइंडली उस पर फोकस किया जाए और इस ग्राउंड को दोबारा से बहाल किया जाए। डी जी रेंजर साहब आजकल काफ़ी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में हमें नज़र आते हैं, उनसे कोई हवाले से इस हवाले से बात हुई? डी जी साहब से हमने मीटिंग किया था सिंध सुपर लीग के हवाले से, उसने काफ़ी हमें सपोर्ट किया है और उसने हर लिहाज से इस ग्राउंड में, मेरे ख्याल से जो इनके ऑफिसेज थे, जिनके रूम्स थे, जो लोग सो रहे थे, तो हमने उनने हमें इतना सपोर्ट किया है कि हमारे लिए उन लोगों ने ड्रेसिंग रूम दे दिए, रेफरीज रूम दे दिए, ऑफिशियल रूम दे दिया, मीडिया रूम्स दिए, तो मेरे ख्याल से उन लोगों ने इस इवेंट में काफ़ी सपोर्ट किया है, सिक्योरिटी लिहाज से उसने सपोर्ट किया है, ग्राउंड के हवाले से बहुत सपोर्ट किया है, तो मेरे ख्याल से उसने मीटिंग का यही पॉजिटिव आया था कि उसने जितना सपोर्ट हमें कर सकता था उसने अपना सपोर्ट कर लिए। अच्छा, आप इस टूर्नामेंट के आगे क्या आप सोच रहे हैं, आगे क्या प्लानिंग है आपकी, फुटबॉल का खेल फरोग पाए किस तरह? मेरे ख्याल से ये एक हमारे लिए बहुत मुश्किल स्टेप था कि इसमें हम पहले स्टेप में कामयाब हो जाएँ। हमारा ये ख्वाहिश था कि हम सिंध में सिंध सुपर लीग, उसके बाद हम KPK सुपर लीग, और उसके बाद बलूचिस्तान लीग, पंजाब लीग, इसमें हम पार्टिसिपेट कर सकें, ताकि इस तरह के हर सूबे में लीग कराए जाएं, फिर उसके बाद दो दो टीमें हर सूबे से बने और फिर इसका PSL बने, जिस तरह हमारा PSL क्रिकेट हो रहे हैं, तो इस तरह के हम फुटबॉल का PSL होनी चाहिए, और फिर उसमें हम ये चाह रहे हैं कि हमारे इंटरनेशनल प्लेयर जो फॉरन प्लेयर्स हैं वो भी इस टूर्नामेंट में पार्ट बने, ताकि वो हमारे लोकल के साथ, इंटरनेशनल प्लेयर के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। तो हम, मेरी ख्वाहिश है कि PSL पाकिस्तान में होगा तो उसमें फॉरेन प्लेयर भी हिस्सा लेंगे। ये बताइएगा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को आप बुलाने का प्लान तो आप कर रहे हैं, दूसरी सूबाई हुकूमत से आपकी बात हुई है पंजाब और KPK के बारे में, बताइए आपके सूबे का, आपके सूबे के हवाले से मैं बाद में पूछूंगा। KPK में भी प्राइवेट सेक्टर से बात हो चुकी है और पंजाब में भी बात हो चुकी है और बलूचिस्तान में ऑलरेडी बात हो चुकी है, वो गवर्नमेंट के साथ होगा। तो मेरी इरादे यही है कि हमने सबको इन्वॉल्व किया, जितने भी गवर्नमेंट से वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, तो इंशाल्लाह इसके बाद जो भी होगा सुपर लीग तो KPK में होगा, पेशावर में होगा, और एक अच्छे तरीके से होगा, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि उस लीग में भी फॉरनर्स प्लेयर लेके आएँ, वो हमारे बच्चों के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। कोई बाहर से प्लेयर बुलाने का आपका इरादा है? इससे पहले जो प्राइवेट वेंचर्स में जो काम हुए वो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को लाए, कोचेस को लाए, तो आपका इरादा है कि इस लीग में कोई बाहर का प्लेयर भी खेले? क्योंकि लाजमी बात है, वहाँ के बाहर के प्लेयर जो हैं वो माइकल वोन जैसे बड़े बड़े सिविल सिटा, इस तरह के प्लेयर्स हैं हमारे इस प्रोग्राम में, पाकिस्तान आए, बेक फिगो आया था, पोयोल आया था, काका आया था, रोनाल्डिन्हो आया था, लेकिन वो हमारे फुटबॉल को बेहतर तो नहीं कर सकते। हमारे फुटबॉल तब बेहतर हो सकते हैं जब आपके लोकल प्लेयरों के साथ इंटरनेशनल प्लेयर्स उसके साथ ग्राउंड में खेलें। तो मेरे ख्याल से वो अगर हर लीग में उसके साथ मैचेस खेलेंगे, हर प्रोफेशनल प्लेयर आएंगे हमारे पास जो फॉरनर्स हैं, वो हमारे लोकल प्लेयरों के साथ ड्यूरिंग द मैच एक साथ खेलेंगे, तो मेरे ख्याल से उससे हमारे फुटबॉल बेहतर हो सकते हैं। फुटबॉल कैसे बेहतर हो सकता है? क्योंकि जो आए थे वो छोटे फुटबॉल खेले थे, यानी 7-a-side, 5-a-side या फुटसॉल, तो इसका कितना दखल है फुटबॉल के फरोग में, या इसका कितना दखल है फुटबॉल में को रुकावट डालने के लिए? मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे फॉरेन प्लेयर्स आए, बड़े बड़े स्टार्स आए, एकोन आए, काका आया था, रोनाल्डिन्हो आया था, फिगो आया था, पयोल आया था, अनिलका आया था, मेरे ख्याल से वो सिर्फ और सिर्फ एक शो के लिए, शो मैचेस के लिए आए हुए थे, वो हमारे लीग का हिस्सा नहीं थे, हमारे पाकिस्तान फुटबॉल लीग को बेहतर करने के लिए नहीं, वो सिर्फ एक शो मैच के लिए आए हुए थे और पब्लिसिटी के लिए आए हुए थे, ताकि उनको हम फुटबॉल के हवाले से बताया जाए कि पाकिस्तान में फुटबॉल है। तो मेरे ख्याल से हमें ये करना चाहिए, जो पैसे हमने रोनाल्डिन्हो, फिगो और काका पे खर्च किए गए और माइकल वोन पे खर्च किया गया, उसके अगर हम 50% अमाउंट अगर हम लोकल ग्रास रूट लेवल पे और फुटबॉल लीग्स पे खर्च किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारे ग्रास रूट लोगों को, प्लेयर को भी मौका मिल जाएंगे,
खेलने का, और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको भी, उनके साथ जो फॉरेनर्स प्लेयर्स आएंगे उनके साथ खेलने का भी मौका मिल जाएंगे। चलें अब आप किस सूबे की तरफ आते हैं, बलूचिस्तान में मैं खुद भी जाता रहता हूँ, क्वेटा में ही 38 फुटसॉल स्टेडियम है जो जाम कमाल साहब साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बनाए थे, वहाँ पर भी आपको इंगेज करने की कोशिश की गई थी, वहाँ पर आपकी शायद बात नहीं बनी, क्यों? उसमें असल वजह ये है कि हमारे बलूचिस्तान में जितना फुटबॉल खेला जाता है वो फुटसॉल लेवल का नहीं खेला जाता है, उसमें हमेशा 11 साइड का खेला जाता है। तो हमारे जितने भी फुटसॉल ग्राउंड बनाए हैं जाम कमाल साहब का, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पहला CM है जिसने इतने फुटसॉल ग्राउंड बनाए, वो लाजिब बात है एक कम्युनिटी के लिए ठीक है, बेहतर है कि वहाँ पे बच्चे आएंगे खेलेंगे, लेकिन उसे फुटबॉल बेहतर नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर उस 38 ग्राउंडों का, उसमें 20 ग्राउंडों का पैसे अगर हमारे जो जितने भी हर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे फुटबॉल के 11 साइड के ग्राउंड मौजूद हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में, अगर उसी 20 ग्राउंडों का आर्टिफिशियल ग्राउंडों का 10 ग्राउंडों पर खर्च कर लेते, वो बहाल कर लेते, उसको आर्टिफिशियल किया जाते, लोकल डिस्ट्रिक्ट के जितने भी 11 साइड फुटबॉल ग्राउंड है अगर उसको आर्टिफिशियल किया जाता तो मेरे ख्याल से वो 10 साल के लिए मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं थी, बारिशें हो जाएं, बर्फबारी वहाँ पे होते हैं बलूचिस्तान में, तो मेरे ख्याल से उस ग्राउंड को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता था। लेकिन अदरवाइज़ फिर हम ये हैं कि बलूचिस्तान में हमारे पास वहाँ पे ग्रास उगाने का बड़ा मुश्किल, मेंटेनेंस रखना बड़ा मुश्किल काम है, तो मेरे ख्याल से अगर बलूचिस्तान कदुस मैदान जो साहब हैं, अगर उसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर ये इन ग्राउंडों को डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, गवादर में है, चमन में है, नौशकी में है, जोब में है, मस्तूंग में है, हर डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, अगर उस ग्राउंड्स को आर्टिफिशियल किया जाए तो मेरे ख्याल से उन बच्चों के लिए और इंटरनेशनल ग्राउंड के मुताबिक बन जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान प्रीमियर लीग की मैचेस हर साल वहाँ पे इसलिए नहीं होते थे कि वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है, ग्रास नहीं है, तो पाकिस्तान प्रीमियर लीग वहाँ कराची में शिफ्ट होते थे। तो मेरे ख्याल से बहुत से बड़ी हमारे क्राउड्स, हमारे शायकीन को, पाकिस्तान फुटबॉल खेलने वालों को, उनको मौका नहीं मिलता था कि वो अपने सूबे में मैचेस खेलें। तो मेरे ख्याल से अगर इस ग्राउंडों को बहाल किया जाए तो मेरे ख्याल से बलूचिस्तान की फुटबॉल और भी आगे तरक्की करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कलीमुल्ला, आपने वक्त दिया और इतनी इम्पॉर्टेंट बात की कि बलूचिस्तान में फ़ुटबॉल का फ़रोग किस लिए नहीं हो रहा इस वक्त और किस तरह से हो सकता है। बलूचिस्तान में फुटसॉल के जो स्टेडियम्स हैं वो इतना ज़्यादा सर्व नहीं कर रहे, 11 साइड के जो कन्वेंशनल फुटबॉल है उस पर अगर तवज्जो दी जाए तो वहाँ से भी टैलेंट निकलेगा और PPL के मैचेज़ वहाँ होंगे और बहुत सारी बातें, आर्टिफिशियल टर्फ वहाँ पर बिछाई जाए, तो इस बलूचिस्तान गवर्नमेंट को ज़रूर साथ देना चाहिए, ज़रूर सुनना चाहिए। जाम कमाल साहब जो साबिक वज़ीर आला थे उन्होंने सुना, कुद्दूस साहब अब वज़ीर आला हैं उनको सुनना चाहिए। तो ये था आज का स्पोर्ट्समैन जिसमें हमने तफसील से बात की क्रिकेट पर, हमने तफसील से बहुत तफसील के साथ हमने बात की फुटबॉल पर, पाकिस्तान की लोकल फुटबॉल और पाकिस्तान की फुटबॉल इस वक्त मसाइल से दो चार है उस पर भी हमने तफसील से बात की। आपने प्रोग्राम देखा, आपका शुक्रिया, खुदा हाफिज़।